हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल चैरेट्स। इन दिस वीडियो मेड फॉर फोर्थ पेज। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी बहुत है कि फोर्थ वेव जो है वो इंडिया में किस तरह की सिचुएशन होगी। फोर्थ वेव एक बहुत भयंकर रूप लेके आएगी या एक नॉर्मल सी होगी कि लोग बुखार में गए और जो वैक्सीनेटेड हैं वो ठीक हो गए, और मतलब बुखार सबको आया, सबको खांसी जुकाम लगा, थोड़ा थोड़ा वायरस लगा और सब ठीक हो गए, क्योंकि वैक्सीनेटेड है ना अब हम लोग। सेकेंड वेव का सिचुएशन अगर ऐसे दिखा रहा है, फोर्थ वेव में भी वही रिफ्लेक्शन अगर आएगा ग्रहों का, तो उसमें लेट्स चेक कि क्या ऐसे मैसेजेस हैं डिवाइन एनर्जी से। मेरे आस पास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि जनता जानना चाहती है, इंडियन पीपल जानना चाहते हैं, इंडिया में लोग जानना चाहते हैं कि फोर्थ वेव इस साल आएगी, अगर चौथी लहर आएगी तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि इस साल फोर्थ वेव नहीं आएगी। डेथ का कार्ड है, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल फोर्थ वेव। आप समझ लीजिए कि जो वेव आती है ना, उसमें कई सारे लोग जो है, वेव का मतलब भी यही होता है, वेव का मतलब होता है कई सारे लोगों की जान चली जाना, और जैसे होता है ना कई सारी जानें जो हैं वो एकदम से चली जाना, ये चीज़ है। मैं इसमें एक बार क्लियर करूँ कि इस साल फोर्थ वेव के लिए नेगेटिव कार्ड आया है। मैं जानना चाहूँगी क्या जैसे पिछले साल सेकंड वेव आई थी, बहुत सारे लोग जो है वो चले गए थे, डेथ कैजुअलिटीज हर घर में, हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं सुनने को मिला, बहुत ही दर्द भरा सेपरेशन इसमें एक था लोगों का घर में, चाहे स्कूल हो, चाहे बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे सेकंड वेव में। क्या वैसी सिचुएशन होगी फोर्थ वेव में? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है, हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन इस साल तो नेगेटिव आ रहा है। मैं पहले भी प्रिडिक्शन निकाल चुकी हूँ इससे रिलेटेड कि इस साल फोर्थ वेव आपके नहीं दिखा रहा था। पिछले प्रिडिक्शंस में भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये चीज़ क्लियर थी कि इस साल फोर्थ वेव तो नहीं दिखा रहा था, अगले साल दिखा रहा था। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है फोर्थ वेव में ये सिचुएशन हो, सेकेंड वेव वाली, हो सकता है लोग लापरवाह हो जाएँ। मैं इसमें जानना चाहूँगी कि क्या अगले साल 2023 में फोर्थ वेव आएगी इंडिया में? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव कार्ड है, अगले साल 2023 में आएगी, इस साल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसमें जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस साल फोर्थ वेव कोरोना की अगस्त तक आएगी, अगस्त में या जुलाई में इस तरीके से आएगी। क्या आएगी जुलाई और अगस्त में? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। अगेन नेगेटिव कार्ड है आप लोग के सामने है, तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि फोर्थ वेव इंडिया में इस साल तो बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है प्रिडिक्शन से। पिछले प्रिडिक्शन में जहाँ तक मुझे याद है, मैंने एक बनाया था वीडियो कि फोर्थ वेव जो है वो आएगी कि नहीं आएगी इस साल। इस साल तो ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताया ना कि सेकंड वेव वाली सिचुएशन, इस साल नहीं दिखा रहा है। उस वीडियो में भी ये चीज़ आ रही थी, प्रिडिक्शंस में, पिछले प्रिडिक्शंस में भी ये चीज़ आ रही थी कि इस साल वो सिचुएशन ना हो करके जो सेकंड वेव में हम लोगों ने झेली और देखी, वो इस साल इंडिया में 2022 में ना हो करके 2023 में, अगले साल वो सिचुएशन देखने को हमें मिलेगी। तो हो सकता है कि इस साल, क्योंकि हम लोग वैक्सीनेटेड हैं और सभी लोग जो हैं वो सावधान भी हैं, पिछले साल झेल चुके हैं, तो सकता है कि ज़्यादा प्रिकॉशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फोर्थ वेव इतनी भयंकर तरीके से तो यहाँ नहीं दिखा रहा, लेकिन अगले साल हो सकता है कि लापरवाही हो जाए और वायरस अपना एक रूप दिखा दे 2023 में। ये बहुत ही एक पक्की भविष्यवाणी है, प्रिडिक्शन है, पिछले रीडिंग्स में भी यही चीज़ आ रही थी। अगेन मैं यही चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ कि यही चीज़ डिवाइन एनर्जीज की तरफ से बार बार यही चीज़ मैसेज आ रहा है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।